लेक्चर थर्ड में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, क्लासिफिकेशन किया था हमने यूनिट सेल का ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब आगे बात करते हैं, जब किसी यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करते हैं तो कुछ स्पेस अनऑक्यूपाइड रह जाता है। अगर हम ये माने कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक हार्ड स्फेयर हैं, जस्ट लाइक इन सिंपल क्यूबिक सिस्टम, सिंपल क्यूबिक सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्यूब के हर एक कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ स्पेस अनऑक्यूपाइड रह जाता है। ये जो अनऑक्यूपाइड स्पेस है, दिस इज नोन एज वॉइड। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, पैकिंग एफिशिएंसी एंड पैकिंग फ्रिक्शन। पैकिंग एफिशिएंसी हमें बताता है कितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाई किया है पर्टिकुलर यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने, और पैकिंग फ्रिक्शन का मतलब टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ यूनिट सेल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी एंड पैकिंग फ्रिक्शंस। तो पैकिंग फ्रिक्शन, इट इज़ टोटल स्पेस ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और इसको निकालने के लिए फॉर्मूला, जब हमें फ्रिक्शन निकालना है कितना स्पेस ऑक्यूपाई हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के थ्रू, तो डेफिनेटली फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज निकालनी है बस हमें कि कितना स्पेस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ने पर्टिकुलर यूनिट सेल में ऑक्यूपाई किया है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम कह सकते हैं पैकिंग फ्रिक्शन इनटू 100। इट मींस पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स ओवर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। स्टार्टिंग करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें क्यूब के कॉर्नर्स पर एटम्स प्रेजेंट हों, अगर क्यूब के कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट हैं तो सिचुएशन कुछ इस तरह की आएगी, पर्टिकुलर क्यूब के कॉर्नर्स पर एटम्स प्रेजेंट हैं। अगर इसका हम एक फेस देखते हैं तो एक फेस पर हमें फोर एटम्स नज़र आ रहे हैं, या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कह सकते हैं, वो नज़र आ रहे हैं लाइक दिस, ओके। अब यहाँ पर ये कहलाता है एज लेंथ, एंड एज लेंथ इज इक्वल्स टू, हमने माना ए है, एंड दिस ए इट्स इक्वल्स टू आर एंड आर, इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू टू आर। तो लेंथ क्या हुआ यूनिट सेल का, ए, रेडियस ऑफ स्फेयर और रेडियस ऑफ एटम या रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ भी कह सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू आर। तो लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए, रेडियस ऑफ एटम आर, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए इज इक्वल्स टू टू आर, मतलब यूनिट सेल का जो लेंथ है वो 2R के इक्वल है, तो A इज इक्वल्स टू 2R हम ये बात कह सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कंट्रीब्यूशन होता है एटम्स का वो होता है 1। सिंपल यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन है 1, इट मींस नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना लिखने वाले हम 1। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या वॉल्यूम ऑफ एटम, जब टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें यूनिट सेल के अंदर, बाकी सारा तो एटम देखिए आउटसाइड है ना, अदर यूनिट सेल में ऑक्यूपाई हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितना पार्ट है इन सभी एटम्स का, दैट कम्स आउट टू बी 1। तो वॉल्यूम कितना हुआ एटम्स का, एटम वॉल्यूम इज 4/3πr³। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब वॉल्यूम इज एज लेंथ क्यूब, इट मीन्स ए क्यूब, और हमें पता है ए इज इक्वल्स टू 2R, हम इसे लिख सकते हैं 2R³, और ये क्या आ जाता है 8R³ के इक्वल। तो अब हमारे फार्मूला में, पैकिंग एफिशिएंसी फार्मूला में, हमें वॉल्यूम ऑफ एटम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल चाहिए, हमने दोनों ही फाइंड आउट कर लिया है, वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो जब हमारे पास दोनों ही वैल्यूज़ हैं तो क्या हम पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी की, एंड पैकिंग एफिशिएंसी दैट कम्स आउट टू बी 4/3πr³ ओवर 8r³, r³ to r³ कैंसिल, ये आ जाएगा π/6 इंटू 100। तो हम बोल सकते हैं इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू π/6 इंटू 100। पाई की वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 52.4%। दोनों ही वैल्यूज़ पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पाई और इन टर्म्स ऑफ फाइनल परसेंटेज, दोनों ही वैल्यूज़ पता होना चाहिए। तो ये है पैकिंग
एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ व्हाट? पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसके बाद बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की। इट इज़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर हों। जैसे ये पिंक बॉल्स हमें नज़र आ रही हैं, ये हमें क्या शो कर रहा है? कॉर्नर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हैंड टू हैंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होना चाहिए हर एक फेस के सेंटर पर। जो ये ब्लू बॉल्स हमें शो कर रहे हैं, फेस सेंटर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। हम एक फेस, सिंगल फेस लेकर के डील करते हैं। इट इज़ शोइंग सिंगल फेस। अगर ये सिंगल फेस है और हमें फेस सेंटर्ड एटम लेना है, तो हमें फेस डायगोनल के साथ डील करना होगा। हमने इसे मार्क कर दिया ABC। देखिए, हम यहाँ पर शो कर सकते हैं इन दिस वे, यहाँ पर कॉर्नर एटम्स और ये सेंटर, फेस सेंटर एटम। हमें क्या देखना है? फेस डायगोनल। फेस डायगोनल, इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी रूट टू ए। कैसे आती है रूट टू ए फेस डायगोनल की वैल्यू? देखिए, ए सी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी इज व्हाट? एज लेंथ इज ए, इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड ए सी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ टू ए स्क्वायर, एंड दिस इज रूट टू ए। इसका मतलब फेस डायगोनल क्या निकल के आता है? रूट टू ए। अब ये रूट टू ए कितने आर के इक्वल है? जरा इसे काउंट करते हैं। हाउ मैनी रेडियस इट कवर? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इट मीन्स रूट टू ए इज इक्वल्स टू फोर आर, और हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, फोर बाय रूट टू आर। हमने ए की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि हमें पता है हमें यूनिट सेल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और यूनिट सेल वॉल्यूम होता है ए क्यूब। इट मीन्स हमने इसे किस टर्म में ले लिया? ए की टर्म में हमने फाइंड आउट कर लिया है। नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अब हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं यूनिट सेल का। इट इज़ व्हाट? ए क्यूब। वेरी गुड। अब फोर बाय रूट टू आर होल क्यूब, ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 32 बाय रूट टू आर क्यूब। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? अभी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यहाँ से ध्यान से, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कौन से होते हैं? जहाँ पर कॉर्नर्स पर एटम हो, कॉर्नर्स के साथ साथ फेस के सेंटर पर एटम हो, इन दिस वे। अब फेस सेंटर एटम है, कॉर्नर्स एटम है, ये एक फेस के साथ हम डील कर रहे हैं। हमने क्या निकाला? फेस डायगोनल निकाला। फेस डायगोनल इज इक्वल्स टू रूट टू ए। नाउ लुक एट दिस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वन आर, इस पॉइंट से इस फेस सेंटर एटम के सेंटर तक सेकेंड आर, सेकेंड आर यहाँ से इस पॉइंट से इस एटम के एंड तक थर्ड आर, और अगेन लास्ट एटम के सेंटर से ये पूरा फोर आर के इक्वल्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर रूट टू ए इज इक्वल्स टू फोर आर। इसी की हेल्प से हमने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल फाइंड आउट कर लिया है। अब आगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आने के बाद हम आगे करते हैं नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड में टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं फोर। मतलब कितने इफेक्टिव एटम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्फेयर्स कितना आया, वो आता है फोर। अगर फोर एटम्स प्रेजेंट हैं, तो हमें वॉल्यूम ऑफ एटम्स में भी फोर एटम्स का ही वॉल्यूम लेना होगा। इट्स मीन फोर इंटू फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 16/3 पाई आर क्यूब। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एटम भी है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी है। ये है वॉल्यूम ऑफ एटम्स, ये है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो क्या हम पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स 16/3 पाई आर क्यूब ओवर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 32 ओवर रूट टू आर क्यूब। आर क्यूब टू आर क्यूब कैंसिल, ये सॉल्व करके आ जाएगा पाई रूट टू बाय 6 इंटू 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ पाई इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या आता है? पाई रूट टू बाय 6 इंटू 100। और पाई की वैल्यू और रूट टू की वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व किया जाता है, तो ये आएगा 74%। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ पाई पता होना चाहिए। तो पाई रूट टू बाय 6 इंटू 100 पैकिंग एफिशिएंसी है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर की। इसके बाद बात करते हैं बॉडी
सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कौन से हुए, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर भी प्रेजेंट हों, लाइक दिस। जैसे ये है कॉर्नर्स एटम, कॉर्नर एटम के साथ साथ बॉडी के सेंटर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ओके, तो अब यहाँ पर हमें क्या लेकर के चलना है, बॉडी डायगोनल। इट इज बॉडी डायगोनल, दिस वन। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, लाइक दिस, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। दिस इज बॉडी डायगोनल, दिस वन इज फेस डायगोनल एंड दिस इज एज लेंथ ऑफ क्यूब। जरा ध्यान से, ये एज लेंथ है, एज लेंथ इक्वल्स टू ए। दिस इज फेस डायगोनल, अगर आप इसे देखेंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इट मीन्स इट इज फेस डायगोनल, इट इज रूट टू ए। ये वैल्यू आ रही है रूट टू ए। मैं इसे मेंशन कर देती हूँ ए बी सी। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ए बी की वैल्यू है रूट टू ए, फेस डायगोनल की वैल्यू है रूट टू ए। अब हमें निकालना है बी सी। बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज वॉट रूट टू ए स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर। ये आ जाएगा थ्री ए स्क्वायर रूट। इट मीन्स बी सी कम्स आउट टू बी रूट थ्री ए। तो बॉडी डायगोनल क्या निकल के आता है, रूट थ्री ए। अब बॉडी डायगोनल अगेन इट इक्वल्स टू फोर आर। यहाँ पर कॉर्नर एटम्स, दो कॉर्नर एटम्स के रेडियस और बॉडी के सेंटर एटम के दो रेडियस टोटल मिलाकर के ये किसके इक्वल हो जाता है, फोर आर के। रूट थ्री ए इज इक्वल्स टू फोर आर, और हम यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर बाय रूट थ्री आर। जब हमें ए पता लग गया तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दिस इज ए क्यूब, इट मीन्स फोर बाय रूट थ्री आर होल क्यूब। ये आ जाएगा निकल के सिक्सटी फोर आर क्यूब बाय थ्री रूट थ्री। इट मीन्स हमने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब टोटल नंबर ऑफ स्फीयर जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में होते हैं वो होते हैं दो। एक तो होता है कॉर्नर एटम्स के थ्रू, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय कॉर्नर एटम्स वन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन बाय बॉडी सेंटर्ड एटम इट इक्वल्स टू वन। इट मीन्स टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्फीयर और यू कैन से टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम इट इक्वल्स टू टू। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू टू। अगर नंबर ऑफ एटम्स टू है तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा, टू इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब इक्वल्स टू एट बाई थ्री पाई आर क्यूब। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एटम भी आ गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी आ गया, हम पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू एट बाई थ्री पाई आर क्यूब ओवर 64 आर क्यूब बाय थ्री रूट थ्री। यही फाइंड आउट किया था अभी हमने, 64 आर क्यूब ओवर थ्री रूट थ्री। तो हमने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पुट किया इंटू 100, ये निकल के आएगा पाई रूट थ्री बाय एट इंटू 100। इट इज़ पैकिंग एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ पाई। और सॉल्व करते हैं तो ये आता है 68%। इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पैकिंग एफिशिएंसी 68%। तो हम कह सकते हैं कि 68% स्पेस ऑक्यूपाइड है एटम्स के थ्रू, या आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के थ्रू। और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 74% स्पेस ऑक्यूपाइड है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के थ्रू, और जबकि सिंपल यूनिट सेल में सिर्फ 52.4% ऑक्यूपाइड है। तो इन सब में अगर हम देखते हैं तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में मैक्सिमम स्पेस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के थ्रू ऑक्यूपाइड है, इट इज़ 74%। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं क्लोज पैकिंग की। टिल देन गुड बाय।